सूरज भगवान भी डूब रहे हैं। फैमिली फ्रेंड्स, यू आर वेरी मच वेलकम टू क्रेजी अंजलि ब्लॉग। दिस इज माय 9th ब्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, शाम के 6 बज रहे हैं। तो मैं सोची थोड़ी वॉक कर लेती हूँ, टहल लेती हूँ, हल्की फुल्की धूपे हैं लेकिन अच्छा लग रहा है। और ये हरी भरी पेड़ हम लोग छत पे ये लगा हुआ है क्योंकि ऐसे ही सुकून के लिए छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे केला, फूल पौधे, ये सब। और ये रहा मेरा छत, तो आप देखो गेहूं पसारी हुई है आप लोग के लिए। आप लोग उसे आओ बिटोरने, आप लोग का इंतजार है। तो अभी आप लोग देखो, और वो जो बैठी है चुड़ैल, वो मेरी सिस्टर है छोटी वाली, आप लोग को मैं उससे मिलवा चुकी हूँ माता जी के स्थान पे ही। ये रहने बाद बहुत अच्छे से नहीं तैयार हो पाई हूँ, लेकिन जैसे भी तैयार हुई हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील कर रही हूँ। तो अभी देखो, मैंने आपको दिखाई दिया कि मैं छत पे हूँ, बस थोड़ी बहुत वर्क कर रही हूँ। और ये रहा, ये इसमें मैं खरगोश रखती हूँ, खरगोश और मुर्गी। तो खरगोश मर गया, 2 दिन हो गए, और मुर्गी को भी नहीं रखा गया, मुर्गी को भी हटा दिया गया, तो काफ़ी सूना सूना लग रहा है। तो और ये तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, गाँव में इस पे खाना बनते हैं, इस पे जो है, बट हम लोग नहीं बनाते हैं, ये इमरजेंसी सेवा के लिए रखा गया है बरसात में, ताकि हम लोग बरसात में इसके आनंद ले पाएँ। जैसे कि कोई चीज़ लिट्टी हुआ या कोई चीज़ बनाना हुआ, हम लोग उस पे बनाते हैं, अच्छा लगता है। तो आप लोग भी आओ मेरे गोरखपुर, मैं आप सबको घुमाती हूँ। गोरखपुर में ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, बहुत आनंद मिलेगी। और इस छत पे चढ़ने के बाद तो हम लोग को बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो अभी आप लोग देख भी रहे हो, छत पे चढ़ने के बाद हवा भी मिलती है, सुकून भी रहती है, और बहुत मतलब अच्छा फील करती हूँ। तो आप लोग जो जो मेरी वीडियोस देखते हो, जो जो मेरी ब्लॉग्स देखते हो ना, मुझे कमेंट में लिखकर बता दिया करो कि आप लोग किस जगह से हो, कहाँ से हो। मुझे पता नहीं चलता है एक्चुअली कितने लोग कमेंट करते हैं मुझे, बट मैं नहीं जान पाती हूँ। तो आप लोग अपना लोकेशन एड्रेस भी बताया करो कि आप लोग किस जगह से हो, आप लोग की नाम क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी चलते हैं, इतना अब, कल मिलते हैं, कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।